अब बात आती है इनपुट की। इनपुट जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, जब हम उसे इनपुट देंगे तभी उससे आउटपुट मिलता है। जो हमारा कंप्यूटर जो पूरी कैबिनेट होती है, कैबिनेट में जितने भी सिस्टम लगते हैं, चाहे माउस कीबोर्ड कुछ भी हम उसमें जब लगाते हैं तो उससे आउटपुट हमें मिलता है। तब जाके हमारा कंप्यूटर में हम जो काम करते हैं उस कह सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग होती है या हिस्ट्री जनरेशन कंप्यूटर में, यानी जो उसके बारे में हम जैसे ही जानना चाहते हैं तो हम आउटपुट जो उसमें डिवाइस लगे होते हैं हम उनसे ही जान सकते हैं कि कंप्यूटर कौन सा है, इसकी जनरेशन क्या है और ये हमारे लिए कौन से वर्क कर पाएगा, जो कि हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उसकी मेमोरी होती है डिवाइस, जितने भी एनी डिवाइस कोई भी टाइप कोई भी कंप्यूटर होते हैं, जब उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम कह सकते हैं एक प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो हमारा यानी आउटपुट जो चीज़ का हम लेना चाहते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कुछ चाहे विंडोज 7 8 10 कुछ भी होती है, बट उसमें जो सॉफ्टवेयर चलते नहीं हमारे रिक्वायरमेंट में वो कंप्यूटर नहीं होता है, हमारी रिक्वायरमेंट में वो कंप्यूटर होता है जिससे कि कह सकते हैं कि जो हमें जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट होता है, जो हमारे काम बेसिस में कह सकते हैं ना, हम काम करते हैं उससे रिलेटेड, मान के चलो जो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो चलते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर नहीं चलते हैं। बट मेरा मानना है कि काफ़ी सारे जो हमारे जो मेन कंप्यूटर है, अगर वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो हमारा मेन कंप्यूटर है वो एक कंप्यूटर है, बट उससे माउस कीबोर्ड ये सब डिवाइसेस हैं जो कि हमारे लिए वो वर्क करती हैं, जो कि हम उससे आउटपुट लेते हैं। अब चाहे एंटीवायरस भी हो, क्योंकि हमारे लिए जितने भी डिवाइस हैं हम उनसे आउटपुट लेते हैं, और आउटपुट लेने से पहले जो हमारा जो डिवाइस होता है मेन, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी ऐसी प्रोसेसिंग होती है, चाहे कि यानी जितने सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे MS पॉइंट है, ये काफ़ी यानी कि अच्छा कह सकते हैं, काफ़ी सारे यानी कि सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि उनकी रिक्वायर्ड यानी कि हमें जो आउटपुट लेते हैं बट हमें काम करने में काफ़ी सारी मदद करते हैं, जो कि कंप्यूटर में काफ़ी सारी आपने देखा होगा, ये नोट पैड ले लो, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं चाहते हैं, और हम जानते हैं कि जो नोट पैड होता है उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, क्योंकि नोट पैड हम जब चलाते हैं, अगर छोटा सा प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं तो नोट पैड से बना सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि चाहे वर्ड पैड हो उसमें हम छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम जब हम बनाते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमें प्रोग्रामिंग में अगर थोड़ी बहुत इंटरेस्ट है तो उससे हमें ये चीज़ मिलता है कि हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बेस में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर में हम जब वर्क करते हैं तो उसमें बेनिफिट हमें ये होता है कि उसका जो आउटपुट हमें मिलता है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो चीज़ हम वैसे नहीं कर सकते वो, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स का काम अलग होता है बट हार्डवेयर का काम अलग होता है, बट जो हम कंप्यूटर्स में लगे हार्डवेयर से जो आउटपुट लेते हैं वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि कीबोर्ड में जब हम टाइप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो कीबोर्ड जो होता है हमारा वो आउटपुट हमें दे रहा है, आउटपुट क्योंकि हमने उसे कंप्यूटर से अपने जोड़ा हुआ है वो हमें आउटपुट दे रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या होता है, चाहे डाटा शीट हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हम टाइप करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो आउटपुट मिलता है उससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, अपना टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट या पावर पॉइंट में हम चाहें तो फिर छोटी मोटी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, एजुकेशन कंपनी के लिए काफ़ी यानी कि बढ़िया कह सकते हैं, क्योंकि छोटी मोटी जो कंपनियाँ होती हैं बड़ी भी कंपनी लेवल तक की होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हमें उसमें वर्क मिलता है वो हमेशा समझ लो कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिक में, या पावर पॉइंट हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया या एक्सेल हो गया। इससे क्या होता है कि जब वर्क होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि काफ़ी लोग जो ये सब चला लेते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा कि उनकी जो नई जॉब लगती है चाहे कोई भी हो चाहे, तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि उनके काम करने का तरीका भी होता है, और दूसरी बात क्या होती है कि जो लोग काम करते हैं, काम करते समय आपको खुद ही पता होगा कि जब कई बार ऐसा होता है कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चला लेते हैं, कुछ लोग चला नहीं पाते हैं, बट जब नोट पैड और
पावर पॉइंट जब ये चलाएंगे तो उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल उन्हें मिलेगी, क्योंकि जो टाइप करने की जो गतिविधियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा उनकी सही हो जाएंगी। अगर कह सकते हैं कि जो चाहे एक्सेल ले लो, एक्सेल के जो फॉर्मूला कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जो कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब कई बार ऐसा होता है जब एकदम एक्सपीरियंस हो जाता है तो उन्हें बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि जो उसका फॉर्मूला उसे पता होना चाहिए।